कि गेमिंग जोन से। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं कौन सा प्रोसेसर अपने गेमिंग के लिए यूज़ करता हूँ, जो कि बहुत अच्छा है। अगर आपको मैं बताऊँ कि मेरा एक्सपीरियंस, तो ये प्रोसेसर बहुत ही बढ़िया है और बहुत अच्छी गेम प्ले देता है, लाइव स्ट्रीम में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इससे ओवरक्लॉकिंग भी कर सकते हैं हम। तो हमारा जो प्रोसेसर है उसका नाम है AMD Ryzen 5 1600। ओके गाइज, तो ये वो प्रोसेसर है AMD का Ryzen 5 1600। इसकी जो स्पेसिफिकेशंस है वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो स्पेसिफिकेशंस है वो है 6 कोर 12 थ्रेड है इसके साथ, 6 कोर हैं जो 12 थ्रेडिंग के साथ आते हैं। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड 3.2 GHz की बेस स्पीड है और 3.6 GHz की बूस्ट स्पीड है। इसको आप ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं। इसके साथ आपको मिलती है एक हीट सिंक, जो कि बहुत ही डिसेंट हीट सिंक है। आप देख सकते हैं इस पे उस हीट सिंक की डायग्राम बन रहा है। इसका जो प्रोसेसर है वो मैंने अपने PC में लगा रखा है, तो मैं आपको वो नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गाइज। ये जो प्रोसेसर है ये बहुत ही बेहतरीन है इंटेल के मुकाबले, क्योंकि इस प्रोसेसर में उससे ज़्यादा पावर है, ज़्यादा कैश मेमोरी है और ज़्यादा कोर है i5 के मुकाबले। क्योंकि हमारा जो AMD का प्रोसेसर है वो गेमिंग के लिए है, तो हमें गेमिंग करना है, तो हम गेमर्स हैं, तो हमें हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ये हमारी बहुत हेल्प करता है डिसेंट गेमिंग करने में। हमें ये 1080p की गेमिंग करवाता है, कितने भी बड़े से बड़े गेम हम लो सेटिंग्स पे या मीडियम सेटिंग्स पे खेल सकते हैं। तो गाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप कोई PC बिल्ड कर रहे हो गेमिंग PC, तो आप Ryzen को चूज़ करें, Ryzen 5 को या Ryzen 7 को या Ryzen 3 को। इंटेल i3 के मुकाबले आप Ryzen 3 को चूज़ कर सकते हैं गाइज, क्योंकि वो उससे बेटर है और ये Ryzen 5 जो है वो इंटेल के i3 से ज़्यादा बेटर है। तो प्लीज़ गाइज, इफ़ यू एंजॉय आवर वीडियो, इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अंकित गेमिंग जोन। शुक्रिया।